हेलो गाइज, हेलो बच्चे, कैसे हैं? बात कर यार, लगातार आपका सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में ना मैं आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का, जिसको हम लोग बोल रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम इन कंप्लीट रिकॉर्ड का, आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। एग्जाम बेस्ड होगा और गारंटेड ना यार, आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटीज में पूछेंगे इन कंप्लीट रिकॉर्ड लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे यह रहा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सिंगल एंट्री सिस्टम का। और यहां देखिएगा, आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, बल्कि बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ है। हमने बताया था कि आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, पहले 2 साल का बैलेंस शीट दिख रहा है ना आपको, तो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट से हम निकालेंगे आपका ओपनिंग कैपिटल, मतलब प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, और क्लोजिंग वाले से निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अच्छे से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, माइंड योर ओन सक्सेस। बुक चाहते हैं, बुक का पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, आपका डाउट क्लियर करना चाहते हैं, वहां पे आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, पहले एकदम स्लोली समझिएगा। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बताया था, तो वहां पे आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवेन था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका नहीं दिया हुआ था। 2 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था। तो ओपनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से 1 अप्रैल 2015 आपके बुक में डेट कुछ और हो सकता है, 1 अप्रैल 2015 वाले से ओपनिंग वाला इंफॉर्मेशन से ओपनिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का साइड यह रहेगा, ठीक है? आपके क्वेश्चन में कैश इन हैंड 1000 का दिया हुआ था, कैश एट बैंक 15000 का दिया हुआ था, स्टॉक 1 लाख का दिया हुआ था, डेटर 42500 का था, बिजनेस प्रीमाइसिस 75000 का था और फर्नीचर 9000 का था। तो एसेट्स को इधर साइड, एसेट साइड में लिख देंगे, और लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर 66000 और प्रिंसिपल 44000। जब बैलेंसिंग करेंगे हम, तो 1,32,500 आएगा, 1,32,500, और यह आपका ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। आपके क्वेश्चन में जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल आप ओपनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से निकालोगे। क्लियर? यह क्लियर हो गया। अब क्लोजिंग वाले इंफॉर्मेशन से, जो क्लोजिंग एंडिंग इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल वाला, उससे हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, गिवन नहीं है, और हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है? तो यहां पे आपका कैश इन हैंड 1500 का था, कैश एट बैंक 10000 का था, स्टॉक आपका 95000 का था, डेटर 70000 का था, बिजनेस प्रीमाइसिस 1,35,000 का था, और फर्नीचर 7,500 का था, क्रेडिटर 87000 का था, बिल्स 58000 का था। जब बैलेंसिंग करेंगे बच्चे, तो हम लोग का 1,74,000, और ओपनिंग वाले इंफॉर्मेशन से जैसे ओपनिंग कैपिटल लिखे है ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग वाला इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट, क्योंकि हमको यह निकालने के लिए जरूरी था कि ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल इसको बोलते हैं, निकला है 1,74,000, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 1,74,000, ठीक है? ड्रॉइंग 45,000, अगर पर मंथ दिया हुआ रहेगा तो 12 से मल्टीपल करेंगे, पर एनम रहेगा तो 1 से मल्टीपल करेंगे, पर क्वार्टर रहेगा 4 से मल्टीपल करेंगे, कुछो नहीं बोलेगा तो हम वैसा ही लिख देंगे, 45,000 हमने लिख दिया। तो इन दोनों को ऐड करके 2,19,000 आया, 2,19,000 आया। अब एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करेंगे ना, माइनस किए 25,000 आपका दिया हुआ था, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल को माइनस किए 1,32,500 जो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाले हैं। क्लियर यहां तक? अब हम लोग का प्लस में आंसर पॉजिटिव में आया, तो यह हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। अगर माइनस में आता तो नेट लॉस लिख देते, लेकिन यहीं तक का क्वेश्चन नहीं रहेगा, अभी आपका सिर्फ इतना ही आपका, इसके अलावा हो सकता है डेप्रिसिएशन दे देता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता, बैड डेप्ट दे देता किसी क्वेश्चन में, प्रोविजन दे देता।
तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह देखिए आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, कृष्णा कुलकर्णी जी, नॉट केप्ट डबल अकाउंटिंग या सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब अपने बुक्स को प्रॉपर नहीं मेंटेन कर रहे हैं। और इनका आपको देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नीचे दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग वाला इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थोड़ा सा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, ठीक है, टर्म्स भी ज्यादा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, इसका बैलेंस भी बताऊंगा, इसका लास्ट में बैलेंस शीट भी बनेगा, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। तो अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और एकदम समझते हैं स्लोली इसको, ठीक है, पहले बनाता हूं फिर समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे। हाँ बच्चे देखिएगा, बोलिएगा सर पूरा बोर्ड भर दिए हैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या लिख दिए। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट करके रखें तो एकदम प्रोसेस से समझिएगा। दूसरा बार एक एक टर्म के साथ समझाएंगे, तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, एकदम स्लोली समझना है सिर्फ सुन करके, ठीक है। देखिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाला था, सिमिलर हम यहाँ पे भी निकालेंगे। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाले हम लोग ओपनिंग इंफॉर्मेशन से, ओपनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। आपके क्वेश्चन में कैश इन हैंड 10,000 दिया हुआ था ओपनिंग, डेटर दिया हुआ था 20,000 का, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ था 20,000 का, स्टॉक दिया हुआ था 40,000 का, फर्नीचर दिया हुआ था आपका 8,000 का, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था आपका 40,000 का, और बैंक बैलेंस दिया हुआ था 1,00,000 का। क्लियर, जो इंफॉर्मेशन जैसे दिया हुआ है ना हमें बस पुट करना है, क्लियर। बिल्स पेबल आपका 4,000 का था हम यहां लिख दिए, क्रेडिटर 10,000 का था हम यहां पे लिख दिए, क्लियर। बैलेंसिंग करके जब हमने बैलेंस करा तो यहां पे 2,24,000 आया, 2,24,000, और हम लोग ओपनिंग इंफॉर्मेशन से जो निकालते हैं वह हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। 2,24,000 हुआ ना बच्चा, ठीक है, तो यह ओपनिंग कैपिटल हो गया। अब सिमिलर क्लोजिंग इंफॉर्मेशन से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल वाले इंफॉर्मेशन को पहले देखिएगा, कैश इन हैंड आपका 36,000 दिया हुआ है, डेटर 80,000 दिया हुआ था, बिल्स रिसीवेबल 24,000 दिया हुआ था, कार आपका 80,000 दिया हुआ था, स्टॉक 30,000 का था, फर्नीचर 48,000 का था, इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, बैंक बैलेंस 90,000 का था, और क्रेडिटर आपका 46,000 था, और यहाँ पे बिल्स 42,000 का था, क्लियर। बैलेंसिंग जब करेंगे तो 3,50,000 क्लोजिंग कैपिटल आएगा, 3,50,000 क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब थोड़ा सा मेरे स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपका यह ओपनिंग इंफॉर्मेशन हो गया, यह आपका क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब अगर क्या होगा, यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहता है एसेट्स पे, तो अगर आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन में आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन में आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे डिप्रिसिएशन सब यही एडजस्ट कर सकते हो, यह भी तरीका है। या फिर आप एडजस्टमेंट अलग से कर सकते हो, या फिर आप एडजस्टमेंट अलग से कर सकते हो। हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करा है, हम अब जैसे बना रहे एकदम वैसे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, ओपनिंग इंफॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टर्म क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहां तक। अब आगे देखिए, फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 3,50,000 का था, ड्रॉइंग 5,000 पर मंथ था, हम आपको सिखाए थे जस्ट इसके पहले, बोले कि पर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 60,000 का हो गया। एडिशनल कैपिटल आपका 30,000 रुपया का दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल 2,24,000 था, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला ना बच्चा वह 1,56,000 निकल गया, 1,56,000 निकल गया, क्लियर। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले में दिया हुआ था आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप नोटिस कीजिएगा, दिया हुआ था डेप्रिसिएशन ऑन कार, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और आउटस्टैंडिंग रेंट, तीन ही था, और भी हो सकता है, प्रोविजन दे देगा, बैड डेट दे देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा,
तो प्रीपेड इनकम दे देगा, तो आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, हमको घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये सब करने के बाद हम लोग का एडजस्टमेंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकला। अब एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन कार बोला है, हम लोग डेप्रिसिएशन नोट कर लीजिए, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग वैल्यू पे निकालेंगे। दूसरा बात, अगर पर एनम लगा हुआ होगा तब हम लोग मंथली का कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर 10% पर एनम है, लेकिन कोई एसेट्स जैसे यहां पे देखिए आपका कार इसमें देखिए नहीं दिख रहा है, और कार आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है ना। तो यहां पे अगर डिप्रिसिएशन ऑन कार 10% पर एनम बोल देता तो हम ये नोटिस करेंगे ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में तो है नहीं, क्लोजिंग वाले इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो वहां पे 6 महीने का हम चार्ज करेंगे पर एनम अगर दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका बोल देगा सिर्फ 10% पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो चाहे वह 6 महीने का है, 5 महीने का है, 2 महीने का, 1 महीने का क्यों ना हो, वहां पे 10% ही चार्ज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन कार हम लोग क्लोजिंग वैल्यू पे 80,000 का क्लोजिंग वैल्यू था, 5% डायरेक्ट बोला, 4,000 हम यहाँ पे निकाल के लिख दिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% था, 48,000 का 10%, 4,800 फर्नीचर हमारा क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे है, देख रहे हैं क्लोजिंग वैल्यू पे निकाल रहे हैं। आपके माइंड में ना यार होना चाहिए, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, पढ़ा रहे मन से ना तो समझिए। अब उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे दिया हुआ था, रेंट खर्चा है सर, और हमको इस साल का खर्चा इसी साल मैनेज करेंगे, तो माइनस कर देंगे तब ना नेट प्रॉफिट जानेंगे, तो 141,200 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन ये सब एडजस्ट करने के बाद हम लोग का फाइनेंशियल, इसको बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर आपका 46,000 का था, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन को ही ध्यान में रखेंगे, बिल्स पेबल 42,000 था, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 था, देखिए क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन को ही लिख रहे हैं। देखिए कैपिटल यहाँ पे ओपनिंग लिखेगा, कैपिटल कौन सा लिखेगा, ओपनिंग, ड्रॉइंग को माइनस करना है, नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, और एडिशनल कैपिटल को भी प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल को प्लस करना है, क्या क्या बोले, ओपनिंग कैपिटल लिखना है, ड्रॉइंग को माइनस करना है, नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल को प्लस करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद जो आएगा यह लिख देंगे, क्लियर। अब इधर क्लोजिंग एसेट्स भी लिखेंगे, कैश लिख दिए, डेटर लिख दिए, बिल्स रिसीवेबल लिख दिए, लेकिन अगर किसी एसेट्स में डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, राइट ऑफ हो रहा होगा, बैड डेट हो गया होगा डेटर पे, तो हम लोग उसको माइनस करने के बाद लिखेंगे। जैसे कार 80,000 का था, देखिए कार 80,000 दिख रहा है, 80,000, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना हुआ था 4,000 का, तो माइनस करने के बाद 76,000 हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्टॉक आपका 30,000 का था, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन करने के बाद लिखे 43,200 आया, क्लियर। इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 का था दिया हुआ, बैंक बैलेंस 90,000 का था, और जब दोनों साइड जोड़ देंगे ना तो हम लोग का बराबर, जैसे 4,29,200 इधर भी और 4,29,200 इधर भी, तो जब दोनों साइड हम लोग का बराबर आ जाएगा तो हमारा बना हुआ ना सारा प्रोसेस सही है और हमने सही बनाया, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर कहीं पे दिक्कत लग रहा हो तो वापस प्लेबैक करके देखिए, कहीं पे दिक्कत लग रहा हो तो वापस प्लेबैक करके देखिए, ठीक है। हाँ, बात करें नेक्स्ट क्लास में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपका मोटर व्हीकल्स एडिशनल में दिया के बीच में परचेज किया है, तो कुछ कुछ और आपका एडवांस और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी, नहीं शेयर करोगे दोस्त नहीं जानेंगे, उनको भी पढ़ना जरूरी है, फेल करवाइएगा का दोस्तों को, शुभचिंतक बनिए, ठीक है। तो शेयर कीजिए, और माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम पे नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में, सारा जगह, जैसे आपका मन, जैसे आपको समझ में आता वैसे नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।